हिंद का सर्वे तैयार है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक डीआरडीओ हैं, सुरेश नायक स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, साथ ही के सिद्धार्थ साइंटिस्ट इसरो हमारे साथ जुड़ गए हैं। के सिद्धार्थ जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस होने के बाद आदित्य L1 क्यों जरूरी है ये मिशन और इस मिशन से क्या हासिल होगा हमें? देखिए आदित्य, ऐसा कोई मिशन अब हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कारण उसका यह है कि पहले तो आप पृथ्वी पर रहती हैं, आसानी से रहती हैं। आसानी से इसलिए रहती हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक चुंबक आवरण है, मैग्नेटोस्फीयर जिसे कहते हैं, जो कि सूर्य की किसी भी हर्ज को, किसी भी नुकसान को पृथ्वी पर आने नहीं देता है। मतलब वो क्या करता है, प्रोटेक्ट कर लेता है आपको और वो डिफ्लेक्ट करता है। सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, आप सोचिए गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज है, ठीक है, ये कहाँ से डिफ्लेक्ट होती हैं? तो मैग्नेटोस्फीयर से, चुंबक मंडल इसे कहते हैं। जो बचा खुचा है उसको यहाँ पर आयन मंडल कर लेता है, एक्सरे अब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद जो बचा खुचा है उसे समताप मंडल से अब्जॉर्ब कर लेता है। और हमारे पास जो आती है रोशनी आती है वह है विजिबल रे, मतलब कि देखने वाला रोशनी होती है, वो आती है। तो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे सूर्य को किसी रूप में। हम लोग को इसके लिए एक पॉइंट पर जाना ही जाना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरी बात चली आती है कि स्पेस के रूप में भारत की एक आकांक्षा है कि सुपर पावर बने। तो स्पेस के ऊपर में आप सोचिए कि अंतरिक्ष का जो माहौल है वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना सैटेलाइट छोड़ दिया, अच्छी खासी मेहनत से छोड़ दिया, और पता चला कि वो सैटेलाइट है सूर्य से आने वाले किरणों से डैमेज हो गया, तो आप क्यों छोड़ेंगे? तो इस पूरे पहलू को समझने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तीसरी बात चली आती है कि जब आप स्पेस में ट्रेवल करने का प्लान बना रही हैं और जो भारत इस बात को लेकर चल रहा है, तो जितने भी लोग जाएंगे स्पेस में उनके लिए उनका मौसम भी तो अनुकूल होना चाहिए। इसी को कहते हैं स्पेस वेदर, स्पेस वेदर इसी का नाम है। तो इसका अध्ययन वैसे भी एसेंशियल हो जाता है। और चौथी बात चली आती है कि जब आप इसे नहीं करेंगी तो आपको अंत तक किसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। हो सकता है संयुक्त राज्य के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, किसी के ऊपर भी। तो वो इस डेटा को साझा करेंगे या नहीं करेंगे, बताएंगे या नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो जब आप स्पेस में अच्छी खासी मात्रा में काम करने चली हैं तो ये बहुत लाजमी हो जाता है, एसेंशियल हो जाता है कि आप स्पेस वेदर को जानिए। और स्पेस वेदर सबसे अधिक मात्रा में डिटरमाइन होता है सूर्य से आने वाली किरणों से। अब सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उसे आप सूर्य को जाकर नहीं पढ़ सकती हैं। तो एक दहाई जो डिस्टेंस है, मतलब कि 1/10 ऑफ डिस्टेंस है, उस जगह पर जाकर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपके सैटेलाइट डैमेज भी नहीं होगा, सूर्य को देख भी सकता है और उसका ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है। और ऑब्जर्वेशन करने से सूर्य से ऊपर में सतह पर जो निकल रहे हैं लपटे हैं, फ्लेयर्स हैं, जो मैग्नेटिक की स्टॉर्म, मतलब कि चुंबक, एक कॉन्सेप्ट है कि चुंबकीय आंधी, मतलब कि इतनी अधिक मात्रा में सूर्य से किरणें निकलेंगी कि जो पृथ्वी के चुंबक मंडल है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर गड़बड़ होता है, अब सोचिए पृथ्वी के ऊपर पहुंच भी जाता है तो कितना नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए भी आवश्यक हो जाता है। तो कुल मिलाकर जब हम लोग स्पेस पावर बनने जा रहे हैं तो चंद्रमा तो एक कदम था, इसके आगे आप सन का सर, सूर्य का अध्ययन, इसके आगे फिर बाहरी अध्ययन, और फिर हमारी साख भी तो बन रही है इस पूरे पहलू पर, भारत की ब्रांडिंग भी तो हो रही है। इसलिए इतने कारणों से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश एक बार फिर से तैयार है 2 सितंबर को इतिहास रचने के लिए, जब इस आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी।